सो है कैसे वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग, होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहना। फ्री फायर सिटी ओपन स्टार्ट हो चुका है एंड इस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दूंगा इससे रिलेटेड। कोई भी डाउट है और बच जाता है ना डाउट, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टा की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। कोई पर्सनल में कोई क्वेश्चन आपसे आपको पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बाकी यार इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ ताकि आपको कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहले टीम कैसे बनाई है, कैसे रिवॉर्ड मिलेगी, कैसे फाइनल तक जाना है, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बस ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना, आपको मैं टीम बना के दिखाऊंगा। आपको सबसे पहले गाइस यहां पर देखो, आपको यहां पर पहले तो यहां पर आपको टोटली 8 मैचेस खेलने हैं। ठीक है, जब इसमें सेलेक्ट होने के लिए फ्री फायर सिटी ओपन में सेलेक्ट होने के लिए 8 मैचेस। उससे पहले मैं इसकी कंडीशन बता दूं, क्लासिक मैच होंगे सारे। ठीक है, मोड्स एंड स्क्वाड साइज जो है आपका स्क्वाड या ठीक है 4 बंदों का होगा। आपको पहले 6 बंदे सेलेक्ट करने हैं अपनी ज्वाइन करने हैं ताकि उनमें से अगर दो ना आ पाए, ठीक है कोई भी रीज़न हो, तो 4 यहाँ पर खेल सके। ठीक है, और यहाँ पर 5 मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे एंड कोई वेपन का एक्टिविटी नहीं होगी। फाइनल की है कंडीशन, ठीक है फाइनल कंडीशन है। एंड इसमें जो रिवॉर्ड से जो टॉप फाइनल में जाएंगे, ठीक है पूरे सीजन का जो टॉप रिवॉर्ड है वो एक डायमंड रॉयल वाउचर और एक वेपन रॉयल वाउचर, तो देख सकते हो हद ही हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पर गाइस कैसे बनाना है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन है इन्विटेशन का, अगर कोई आपका फ्रेंड बनाता है ठीक है तो आपको इन्विटेशन सेंड कर सकता है। ठीक है, आपको कोई फ्रेंड बनाता है तो आपको इनविटेशन सेंड कर सकता है एंड आप इनविटेशन ज्वाइन करके उसकी जो भी है ठीक है उसकी जो टीम है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मेरे भाई यहाँ पर आप अपनी खुद की बना सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं खुद की बनाऊँ तो मैं यहाँ पर वो भी आपको समझा देता हूँ। खुद की बनाने आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एंड अभी से आप चेंज भी कर सकते हो। 5 दिन आप इसे 50 बार चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी गलती मत करना पता चले कि मैं बोल रहा हूँ 50 बार एंड 2-3 बार ही चेंज हो सके। ठीक है, आप चेंजेस कितनी बार भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और व्हाट्सअप जो भी चाहो, आप जिसका भी इन्फॉर्मेशन चाहो सेलेक्ट करके ठीक है डाल दो एंड अपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लो। अवतार आपको जो भी अपना पसंद हो वो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि 5 दिन तक आप कितने भी चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं। अवतार बैनर सब कुछ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ चूज कर लो। ठीक है, एंड ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके दोस्तों को ही शो होगा। ठीक है, आपके दोस्तों को शो होगा और अगर आप टॉप फाइनल में आते हो तो फ्री फायर के पास ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका जाएगा एंड अगर आप फाइनल में सेलेक्ट होते हो तो आपको फ्री फायर की तरफ से बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल की तरफ से आपको इनवाइट किया जाएगा कि फाइनल में आपको ज्वाइन करना है, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, ये कुछ है इसका। ठीक है, पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप अपना जो भी नंबर देना वो असली देना। ठीक है, ताकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप जा सको फाइनल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर फाइनल जा ना सको। ये देखो बस क्रिएट करा एंड बन गया बस। एंड इसे आप जितनी बार चाहो, पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है आपको, इतनी बार चाहो उतनी बार कर लो। एंड अभी मैं इसमें घुस चुका हूँ। ठीक है, एंड बाकी 5 बंदों को और मैं यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 6 बंदे आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेने हैं। फिलहाल मैं अभी एक आध को इन्विटेशन सेंड कर देता हूँ, फिर बाद में मैं चेक कर लूँगा किसे इन्विटेशन सेंड करना है किसे नहीं करना है। ठीक है, आप जिसे चाहो उसे अपना कर सकते हो इन्विटेशन सेंड एंड अगर वो बंदा ज्वाइन हो जाता है एंड आप उसे किक भी आई थिंक सो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके गलती से कोई बंदा गलत बंदा ज्वाइन हो सके, ठीक है हो जाए तो आप उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है एंड आप चाहो तो दूसरी किसी टीम को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजिली बनाने के बाद भी। ठीक है, तो होप कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्या कुछ है इसके अंदर देखो, बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है एंड और कोई चेंजेस करने हैं तो भाई और भी आप चेंजेस कर सकते हो। लीडर बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे 5 दिन बाद यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो नॉर्मल मैच खेलते हो वैसे ही खेलना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा का स्किल रेट, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा हायर पे ले जाना है। ठीक है, KD वगैरह सब कुछ हायर पे ले जाना है ताकि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हो उसमें ज्वाइन करने के, क्योंकि बहुत सारे बंदे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, पूरे इंडिया से, नेपाल से एंड बांग्लादेश से बहुत सारे इसमें बंदे रहेंगे एंड इसमें बस कुछ ही बंदे सेलेक्ट होंगे एंड फाइनल में जाएंगे। फाइनल का प्राइस आपको पता है 60 लाख का है। फाइनल का प्राइस मिले चाहे ना मिले, लेकिन खेलना ही भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, फ्री फायर सिटी ओपन फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, इसमें खेलना ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, प्राइजेस तो भाई छोड़ो, प्राइजेस मिले चाहे ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देख लो यहाँ पर 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसका जो पूरा प्रोसेस चलने वाला है एंड उसके बाद सीधे आप जाओगे ठीक है खेलने के लिए। एंड यहाँ पर देखो आपको नॉर्मल इसका फॉर्मेट पूरा समझाया हुआ है, आप वो समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फॉर्मेट पूरा देखना है समझ जाओगे, इंपॉर्टेंट डिटेल। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड और भी कुछ यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है जिन डिटेल्स को आप इजीली पढ़ सकते हो, काफ़ी बारीक डिटेल्स है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पढ़ सकते हो। फिलहाल अगर आप इंडिया से हो, ठीक है आप एक नॉर्मल रेसिडेंस हो या नेपाल के हो, बांग्लादेश के एक नॉर्मल रेसिडेंस हो, तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई ऑल प्लेयर मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल प्लेयर मस्ट बी इंडियन सिटीजन, क्यों भाई देखो नेपाल से भी तो बंदा हो सकता है, बांग्लादेश से भी हो सकता है, बट आई डोंट नो भाई यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन मस्ट भी बोला गया है फ्री फायर की तरफ से। तो ठीक है, इस इट मीन्स कि आपको इंडिया के प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन हो, आधार कार्ड वगैरह जो भी है। ठीक है, तो होप के आपको समझ आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपना एक टीम बनानी है। यहाँ पर स्टार्ट गेम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस यहाँ से गेम खेलते जाना, 8 गेम पूरा कंप्लीट करना, फिर आगे फ्री फायर के हाथ में बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, वो आगे फ्री फायर आपका देख लेगा। ठीक है, आपको पहुँचाना आगे नहीं पहुँचाना, ठीक है, सब कुछ। होप कि समझ में आया होगा आपको, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है पूछ लो। एंड इस वीडियो में इतना ही, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, एक ऐप का लिंक दे रखा है डाउनलोड करके, फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड्स ले सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, एंड इंस्टा की आईडी का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी आप यूज़ करते हो उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।